हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं मार्केट जैसा मावा या खोवा, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ, नरम मुलायम दानेदार। ऐसे नरम मुलायम दानेदार खोवे के लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। ये गाय का दूध है। मैंने गैस के ऊपर रखा है पैन रख के, अब मैंने इसमें डाला है 1.5 लीटर दूध। आप 1 लीटर भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना दूध अवेलेबल है। मैंने ये शुद्ध गाय का दूध है डाला है। जैसे इसमें उबाल आया उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम धीमा कर दिया है। अब बीच बीच में चलाते हुए मैं धीमी आँच पर इसे पकाते रहूँगी। बिना खोवा या मावा के हम कोई भी मिठाई नहीं बना सकते हैं। अगर आपको एकदम मार्केट जैसा टेस्टी मिठाई बनाना है तो उसमें मावा का रहना ज़रूरी है। आप मार्केट से भी मावा परचेस कर सकते हो, पर अगर घर में बनाओगे तो एकदम शुद्ध रहेगा और बिना मिलावट के रहेगा। खोवे को पकाते समय बीच बीच में मिलाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कढ़ाई में लग जाएगा और इसमें से जलने का स्मेल आएगा। इसको बनाने के लिए या तो आप लोहे की कढ़ाई या नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करना, या मोटे तले की कोई भी कढ़ाई। अब हमारा दूध आधे से भी ज़्यादा कम हो गया, 1/4 बस बचा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है खाने का सोडा। खाने का सोडा कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं 2 पिंच खाने का सोडा डाल रही हूँ। खाने का सोडा डालोगे तो खोवे का कलर बहुत अच्छा रहेगा, सफ़ेद रहेगा, एकदम नरम मुलायम रहेगा। खाने का सोडा डालते साथ आप देख सकते हैं इसमें एकदम उबाल आ रहा है, ये ओवन के ऊपर आ रहा है। इसे लगातार चलाना है, चलाते हुए इसे हमें पकाना है। अब इसके बाद तुरंत हमारा खोवा एकदम गाढ़ा हो जाएगा, पक जाएगा। इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि खोवा एकदम जम ना जाए। हमारा खोवा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। हर मिठाई का ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बिना कोई भी मिठाई संभव नहीं है। आप इसे बनाओ, स्टोर करके रखो और आपको जो भी मिठाई बनाना है आप वो उसे बना सकते हैं। अब हमारा खोवा बनके रेडी है। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। इतना होने के बाद अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। ऑफ़ करके इसे मैं ठंडा होने दूंगी थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। बस अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दे रही हूँ। ऑफ़ करने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये और जम जाएगा। ये कढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कढ़ाई पूरा छोड़ रहा है, मतलब हमारा खोवा बन के रेडी है। अब ये ठंडा हो गया है, मतलब पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो ये इस तरीके से हो गया, एकदम बढ़िया सॉफ्ट नरम मुलायम। अब मैं इसको डाल रही हूँ एक बाउल में। बाउल में निकाल के मैं इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा नरम मुलायम दानेदार एकदम मार्केट जैसा खोवा बनके रेडी है। आप भी ये खोवा बनाइए, उसके बाद इसे जो चाहे वो मिठाई बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।